मस्त नींद आई यार, पर अब मेरे को खेलना यार क्योंकि मैं बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हूँ यार। काफी देर सो लिया, अब जाता हूँ। और यार मेरे दोस्तों ने बुलाया मेरे को बीच के ऊपर और हम लोग तेज तरीके से खेलने वाले बिल्कुल बीच पर। अबे एक सेकंड, अबे ये क्या चीज है नीला लाल? ओए एक सेकंड भाई, यहाँ पर बाइक्स खड़ी है क्या इनके ऊपर? हाँ बाइक्स है यार, आखिर चल क्या रहे हैं यहाँ पर? जाके पूछता हूँ यार, क्या पता कोई खतरनाक सी चीज हो मेरे लायक हो। अरे ये कौन है? अबे बंदर यहाँ पर क्या कर रहा है? मैं बढ़िया, तू यहाँ पर कर क्या रहा है बंदर? और ये सब क्या चल रहा है? अगर तुम मुझे केला दोगे तो मैं तुम्हें ये बदले में तुम्हारी सुपर पाइक दूंगा। क्या बात कर रहा है तू? हाँ, तुम मुझे केला ला के दो और मैं तुम्हें एक एक करके ये सबसे महंगी वाली सुपर बाइक दूंगा। और मेरे पास एक सबसे महंगी वाली 100 करोड़ रुपए की भी सुपर बाइक है। सच में? झूठ मत बोल तू। मैं झूठ नहीं बोलता, तुम मुझे अभी केला दो एक और मैं तुम्हें बदले में ये $1 का हॉवरबोर्ड दूंगा। सच्ची बता दे। अरे सच्ची बोल रहा हूँ, देखो मेरा अभी एक दोस्त आता होगा, उसने मेरे को बोला था कि वो केला लेके आएगा और मैं उसको ये हॉवरबोर्ड दूंगा, देखना वो आता ही होगा। आजा मेरे दोस्त, कहाँ है? अरे मैं आ गया, रुको मेरे लिए, मुझे जल्दी से बंदर मेरे दोस्त वो $1 वाला दे दो यार, मैं तुम्हारे लिए केला लेके आया हूँ। जैसा कि तुमने कहा था केला दूंगा तो तुम मुझे वो 100 करोड़ रुपए वाली बाइक भी दोगे। उसके लिए तेरे को मेरे लिए ज्यादा केले लाके देने पड़ेंगे, एक केले में सिर्फ ये हॉवरबोर्ड मिलेगा। शुक्रिया यार तेरा, पर कोई बात नहीं, मैं बहुत बड़े बड़े केले लेके आऊंगा जिसे खाकर तो खुश हो जाएगा और बदले में मुझे तो वो 100 करोड़ रुपए वाली बाइक भी देगा। ठीक है यार, ये ले तेरा एक केला। ठीक है तो ये लो तुम्हारा हॉवरबोर्ड। अरे ये मैं चला मेरा हॉवरबोर्ड, एक केले के बदले मुझे ये चीज मिली है, पर मैं और भी ज्यादा केले लेके आऊंगा तो मेरे को वो 100 करोड़ रुपए वाली बाइक भी मिलेगी। क्या मजा आ रहा है सैमी वीडू चलाने में? ओह बेटे क्या तगड़ी चीज है सैमी। देखा तुमने, मैं सच बोल रहा था। ओके तो गाइस यार ये बंदर सैमी यार 100 करोड़ रुपए वाली बाइक देगा अगर इसे मैं केले ला के देता हूँ तो गाइस यार फिलहाल तो मेरे भाई के पास एक केला है जो मैं घर से लेके आया था और मैंने एक केला भी इसको दे दिया है, तो गाइस यार मेरे को मिलता है ये वाला हॉवरबोर्ड। ओ बेटे कितना ज्यादा कूल है सैमी। जल्दी आना, मेरा दोस्त और केले लेके आएगा तो अगली व्हीकल भी लेके जाएगा। हाँ अगली बाइक मैं ही लेके जाने वाला हूँ, टेंशन मत ले। चलो गाइस यार केले लेने चलते यार, कहाँ पर है दुकान? मैं आ रहा हूँ दुकान, मेरे लिए केले रेडी रखना, मैं इस बंदर को केले दूंगा और लूंगा इससे खतरनाक वाली सुपर बाइक जो 100 करोड़ रुपए की है। भाई कौन कौन सी सुपर बाइक होने वाली है इसके पास मुझे खुद नहीं पता। चलो अब जल्दी चलते केला लेने के लिए, मेरे को पता है यार कहाँ पर दुकान है और कहाँ पर मिलेगी मुझे केला। तो गाइस यार तुम्हारा भाई अभी काफी दूर आ चुका है सस्ते केला लेने के लिए, यहाँ पर भाई केला वाला है, मेरे को पता है कहाँ गई यार उसकी दुकान, यही कहीं पर ही तो थी। ओके रोको रोको रोको, मिल गई फाइनली, देखो ये इस बंदे की दुकान। हाँ यही पर लगा देता हूँ अपना ओवरबोर्ड, किसी को चलाना थोड़ी आता है मेरे अलावा। चलो भाई सब जाके अब केला लेते हैं और उसके बाद लेते हैं अगली वाली सुपर बाइक। हेलो दोस्त। अरे हाँ बोलो, क्या चाहिए भाई साहब आपको? भाई मेरे को केले चाहिए। अरे भाई साहब केले तो नहीं है। अभी ये क्या रख रखे केले चाहिए? अरे ये केले नहीं है, ये असल में फेक केले हैं। फेक केले क्यों रख रखे आपने? मेरे पास और भी केले थे पर थोड़ी देर पहले कोई आया था, अजीब सा सफेद सफेद बंदर सा, बंदर नहीं पता नहीं क्या चीज था, कोई तो था पर वो सारे केले ले गया। अब भाई ऐसे मत बोल यार, मेरे को केले की बहुत ज्यादा जरूरत है। लगता है इसको केले की बहुत ज्यादा जरूरत है, इससे ज्यादा पैसे मांगता हूँ। हाँ मेरे पास केले है, थोड़े बैकअप पे रखता हूँ हमेशा, वो तुम्हें 2000 रुपए किलो दूंगा। क्या बात कर रहा भाई, 40 रुपए किलो है केले, 2000 रुपए क्यों दूं मैं? तुम्हें लेने तो ले 2000 रुपए किलो में, वरना रहने दो। अरे भाई साहब ये तो सेमी बहुत ही ज्यादा महंगे केले बेच रहा है यार, ये है क्या? हाँ यही बचे मेरे पास, पर 2000 रुपए किलो दूंगा, लेने तो ले वरना जाओ यहाँ से। यार क्या करूँ, पर मेरे को बाइक चाहिए थी तो मैंने केले ले लिए इसे 2000 रुपए किलो के। सोच रहे हो यार कितनी मजबूरी है तुम्हारे भाई की, 40 रुपए किलो है केले और मैंने यहाँ से 2000 रुपए किलो लिए हैं क्योंकि यार मेरे को वो बाइक चाहिए। और पक्का यार वो सफेद सफेद सा था ना, पूछूंगा जाकर उसका क्या नाम है, उसने भाई लिए होंगे यहाँ से केले यार, वो ही आया होगा मेरे को जितना पता है यार, क्योंकि वो उन बाइक्स के पीछे पड़ा है और उसको भी वो 100 करोड़ रुपए वाली बाइक चाहिए, पर वो 100 करोड़ रुपए वाली बाइक के ऊपर सिर्फ तुम्हारे भाई का हक है और वो तुम्हारा भाई लेने वाला है। टेंशन मत लो तुम लोग, मैं और केले ढूंढूंगा। चलो गाइस जल्दी सी। भाई सब बस हम लोग पहुंच ही गए, कहां पर है वो रहा यार, एक सेकंड ये भीड़ में क्यों लगा रखा है यार, रोड पे लगाता ना जल्दी पहुंचता मैं। अरे बंदर तुम आ गए पर तुम तो लेट हो। क्यों? मेरा दोस्त यहाँ से वो वाली बाइक लेके जा चुका है। पर तुम्हारे पास और बाइक भी होगी ना? अरे हाँ है ना, है मेरे पास,
बाय द वे तेरे उस दोस्त का नाम क्या है? ओ मेरे उस दोस्त का नाम है सीगल। सीगल नाम उसका? उसका नाम है सीगल। ओके ओके, टेंशन मत ले, तेरे दोस्त को मैं आराऊंगा और वो 100 करोड़ रुपए वाली बाइक मैं लेके जाऊंगा। मेरा कोई दोस्त नहीं वैसे वो, मैं तो सिर्फ उसको बोलता हूँ, पर तुम भी ले जा सकते हो अगर तुम 100 करोड़ रुपए लेके आओ तो। ठीक है बंदर, चलो गाइस यार, बंदर अभी सो रहा है, हम लोग चलते जल्दी सी और केला ढूंढने के लिए। तो गाइस यार, अब मेरे को कोई बड़ी केला चाहिए, बताऊं क्यों? अभी जैसे मैंने छोटी छोटी केला ला के दी, ऐसे तो मैं दुकान से और केला ला सकता हूं, पर गाइस यार चैलेंज जब है, अब मैं जितनी केला लेके आया हूं ना, उसकी मेरे को और भी ज्यादा केला लेके आनी है, उससे बड़ी केला लेके आनी है, वरना तो यार चैलेंज किस नाम का। तो गाइस यार फिलहाल तुम्हारा भाई जा रहा है अगली केला ढूंढने के लिए, अब मेरे को समझ नहीं आ रहा अगली केला मिलेगी कहां पर। भाई कितनी मस्त बाइक है यार, सही में पलटती नहीं है। अबे ये क्या है यार? अबे यार मैं सोच रहा था इससे मैं गिरूंगा नहीं, बोलते ही गिर गया यार। अबे ये क्या स्कैम है भाई? अबे ये क्या स्कैम है? बाइक के नीचे टायर्स दिख रहे हैं पर ऊपर नहीं दिख रहे हैं। लगता है भाई साहब ये कंपनी वाले बहुत ज्यादा दिमाग लगाते हैं, सही में देख रहे हो? ये असल में लगता है कि यार इसका टायर नहीं घूम रहा, पर इसका टायर घूम रहा है, नीचे की तरफ दे रखा है टायर असल में। हम तो गाइस यार मुझे सही में कुछ समझ नहीं आ रहा, आखिर मैं कहां से केले लेके आऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है। अबे एक सेकंड, यहां पर क्या चल रहा है भाई? ये क्या कर रहे लोग? अबे तुम लोग यहां पर क्या देख रहे हो? अरे भाई देख तो, न्यूज पर क्या आ रहा है? केला मैन है? केला मैन? अरे हाँ देखो तो, ये क्या चीज है? एक सेकंड, देवियों सज्जनों, लॉस सैंटोस की पहाड़ियों के अंदर आ चुका है केला मैन। हमने इसको देखा है, देखिए कितना ज्यादा अजीब है ये, और हमारे दर्शकों को हम ये बताना चाहते हैं इस केला मैन से दूर रहे, ये अभी आपको चंबल की पहाड़ी के ऊपर मिलने वाला है। तो फिलहाल जो कोई भी यहाँ पर जाना चाह रहा है टूरिस्ट के लिए, जो भी यहाँ पर घूमने के लिए जाना चाह रहा है, प्लीज इस जगह पर ना जाए, क्योंकि यहाँ पर है ये केला मैन, पता नहीं कितना खतरनाक हो सकता है ये केला मैन। कृपया करके हमारी बात माने और न्यूज 99, 847, 50, 60, 90, 50 के साथ मिलकर इस केला मैन को देखिए, कितना अच्छा है सही में, दिखने में तो काफी मस्त लग रहा है केला मैन। अबे एक सेकंड, टीवी कट हो गई भाई, केला मैन। अरे अरे क्या कर रहे हो तुम, जाओ यहाँ से, पागल कहीं के। अबे यार केला मैन, गाइस यार केला मैन, यही चीता चाहिए तुम्हारे भाई को। अगर मैं उस केला मैन को पकड़ के ले आता हूँ और बंदर को दे देता हूँ, तो भाई वो मेरे को अगली बाइक 100% दे देगा यार, केला मैन है, सोचो कितनी बड़ी केला होगी यार वो। चलो यार जल्दी चलते यार चंबल की पहाड़ी के ऊपर और वहां से उस केला मैन को लेके आता हूँ, पर यार मेरे को सीगल से पहले लाना पड़ेगा, क्या पता वो अभी यहाँ पर पहुंच गया हो। तो चलो गाइस यार अभी हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं, लेट्स गो, देखते यार वो केला मैन मेरे को कहाँ मिलने वाला, कहीं पर तुम्हें दिखाई दे रखा केला मैन? अबे एक सेकंड, अबे ये तो वही सीगल है यार, पक्का इसको भी पता लग गया होगा, चलो चलते हैं। अरे तुम कहाँ जा रहे हो यार दोस्त तुम? अबे कहीं भी जाऊँ तो उससे कोई मतलब? अरे मैं देख चुका हूँ वहां पर कोई केला नहीं है, मैंने सारे केला के पेड़ देख लिए हैं। अबे मैं आगे जाना चाहता हूँ। अरे यार मेरी बात मानो, मैं तुम्हारा काम बचाना चाहता हूँ, मेहनत करोगे फालतू में, आगे केला नहीं है। अबे मेरे को जाना है जब आगे, मुझसे तुझसे नहीं पूछना आगे केला है या नहीं है, पर मैं एक दोस्त के नाते तुम्हें बता रहा हूँ कि वहाँ केला नहीं है। अब समझ में आया यार, बंदर इसको दोस्त क्यों बोलते हैं, जबरदस्ती किसी का भी दोस्त बनने की कोशिश करता है। अब हटा आगे से, मेरे को जाने दे, मैं अपने आप ढूंढ लूंगा कोई केला वेला, निकल यहाँ से। मैं तो यार फालतू मेरे को रोक रहा है, मेरे को पता है आखिर मुझे क्यों रोकना चाहता है, इसको भी शायद पता लग गया होगा उस केला मैन के बारे में, तो ये अकेला उसको ढूंढने की कोशिश कर रहा होगा, इसको लगता है कहीं मैं ना ढूंढ लूं इसलिए मेरे को मना कर रहा है, पर मैं पागल थोड़ी हूं यार। तो गाइस यार जैसा कि मैंने न्यूज में देखा था ना, तो मेरे को वो पहाड़ी अच्छे से याद है कि कहां पर मिलने वाला है वो केला मैन, मेरे को यही पहाड़ी थी यार जहां तक, जहां पर वो केला मैन होने वाला है, दिखाई तो नहीं दे रहा कहीं पर भी। अब ये रहा, ओ भाई साहब देख रहे हो कैसे यार पत्थर के रंग में मिला हुआ ये, ओए केला मैन, ओए केला मैन, यहां पर धूप सेक रहा है आराम से, केला मैन जल्दी से खड़ा हो जा, तेरी जान को खतरा है। कौन है तू? अबे केला मैन, मैं असल में तुम्हारा दोस्त हूँ। मैं नहीं जानता तुमको। अरे केला मैन, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। मेरे को काई की मदद चाहिए तुम्हारी? अबे एक आदमी है तुम्हारी जान के पीछे पड़ा है, वो बोला केला मैन को खा जाऊंगा मैं। मेरे को तो कोई जानता भी नहीं है और मेरे को कोई ढूंढ नहीं सकता, तूने कैसा ढूंढा? अबे मैं बता रहा हूँ भाई, तेरी जान को खतरा है, अगर उसने तेरे को ढूंढ लिया ना तो भाई वो तेरे को कच्चा खा जाएगा। ओए मैं किसी को खाने नहीं दूंगा खुद को। अबे बात मान, वो आता ही होगा, जल्दी चल यहाँ से भाई। मैं नहीं जाने वाला, और तू कौन होता है? अबे यार ये तो बात ही नहीं मान रहा यार मेरी, इसको कैसे लेके जाऊं बंदर के पास यार, कुछ ना कुछ तो प्लान करना पड़ेगा मेरे को। भाई चल दे यार, बात मान केला मैन, अगर वो आ गया ना तो भाई तेरी को मार डालेगा, बात समझ मेरी, वो किसी वक्त आता होगा। मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से, तुझे जाना तो मत, जदगी आ गया, भाग यहाँ से जल्दी सी। अरे वाओ शुक्रिया तुम्हारा, तुमने केला मैन को ढूंढ लिया, अच्छा चल यहाँ से। ओके तो गाइस यार इसको टक्कर मार दी मैंने, जल्दी बैठ केला मैन, जल्दी बैठ। सही कह रहा, या तो मेरी जान का पीछा पड़ा, जल्दी बैठो।
चलो गाइजर जल्दी चलते हैं यहाँ से। तो गाइजर अभी तुम्हारे भाई ने सीगल को टक्कर मार दी बाइक से और वो नीचे गिर गया पहाड़ी में, अब पता नहीं कहाँ पर गया होगा। हम लोग चलते हैं यहाँ से। शुक्रिया तुम्हारा, तुमने मेरी जान बचा ली। पता नहीं कैसा अजीब सा आदमी था वो। आदमी नहीं, वो असल में एक पक्षी है और उसको बहुत अच्छा लगता है केला खाना। चलो मैं तुम्हें यहाँ से कोई सेफ जगह पर लेके चलता हूँ। शुक्रिया यार तुम्हारा बहुत ज्यादा। अब इसको क्या पता, मैं असल में इसको बंदर के पास लेके जा रहा हूँ, पर मेरे को नहीं लगता बंदर इसको खाएगा यार। ठीक है ना, बंदरों को केला पसंद है, ये मतलब नहीं उनको खाई जाएगा या खा जाएगा, पता नहीं। कुछ भी हो यार, मेरे को तो ये मतलब है सिर्फ इसको देके आऊंगा मैं बंदर को, बदले मेरे को बड़ी बाइक मिलेगी तो और ज्यादा मजा आएगा। लेट्स गो, चलते हैं जल्दी से, अब देखते कौन सी बाइक मिलने वाली है। ओ बंदर, मैं आ गया वापस। कहां पर भाई? यार एक तो ये जिखाई एकदम बकवास है यार, ये बीच बीच में इतने छोटे छोटे ब्रेकर से बना रखे ना यहाँ पर। अरे बंदर, अबे यार ये क्या, अबे बंदर अभी तक सो रहा है क्या? अबे बंदर खड़ा हो, देख तेरे लिए बड़ी केला लेके आया हूँ मैं। ओए बंदर खड़ा हो, चल, सो रहा है यहाँ पर फुटकार के। ये है केला मैन। ओए क्या हाल है तेरा बंदर? मैं तो बढ़िया, तू बता कैसा है? मैं भी बढ़िया हूँ यार। क्या, ये तो मेरा दोस्त बनेगा, कितना अच्छा है ये केला मैन सेमी। हाँ ठीक है, तू अपनी यारी दोस्ती निकालता रहे, पर इसको खाइयो मत यार तू। मैं इसको क्यों खाऊंगा, इसे मैं अपना दोस्त बनाऊंगा। शुक्रिया तुम्हारा। हाँ ठीक है गाइस, यार क्या मस्त लग रही है केला और बंदर की जोड़ी। जाओ तुम जाके अपनी बाइक ले लो। हाँ वो तो लूंगा ही ना मैं यार, मैंने कितनी मेहनत की है केला मैन को ढूंढने में। चलो गाइस यार चलते अपनी जल्दी से अगली बाइक लेते हैं। ओके तो गाइस यार ये है मेरी अगली बाइक, ये है हायाबुसा। ओ भाई साहब ये कम से कम 25-23 लाख की आती है ये, क्योंकि ये बहुत महंगी वाली है। ओए बंदर को पेट टक्कर मार दिया यार मैंने। अबे ठीक है, और यार ये तो समझ ही नहीं आते, ब्रेकर बार बार में आ गया रहे एक तो मेरे। तो गाइस यार तुम्हारे भाई ने बंदर को एक बड़ी भी केला दे दी है जो है केला मैन। अब मेरे को उससे भी बड़ी चीज चाहिए, मतलब उससे भी बड़ी केला चाहिए, अब कहां से लाऊं मैं? तो गाइस यार अभी मेरे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा, आखिर मैं बड़ी केला कहां पर ढूंढूं। तो गाइस यार फिलहाल तुम्हारे भाई एक नदी के पास आ चुके हैं, नदी है या लेक बोलूं पता नहीं क्या बोलूं इसको मैं, पर यहां पर पानी है बहुत सारा। ठीक है, और गाइस तुम्हें पता है पानी के आसपास क्या होते हैं? केला के पेड़, यहां पर लोग उगाते हैं। ठीक है, अब मैं यहां पर कोई केला का पेड़ ढूंढने आया हूं जो बहुत ज्यादा बड़ा हो और वो मैं बंदर को दे दूं जिससे वो मेरे को अगली बाइक दे दे, समझ रहे हो ना? तो गाइस यार बस मेरे को यहाँ पर केला का पेड़ ढूंढना है। कहीं पर तुम्हें कोई केला के पेड़ दिखाई दे रहा है यहाँ पर? भाई ऐसा लग रहा है कि सभी लोग काट के ले गए, बंजर पड़ा है बिल्कुल भी केला का पेड़। ओए एक सेकंड, कुछ पीला दिखा मेरे को। ओए उस तरफ है कुछ तो पीला, जाके देखता हूँ। अबे ये तो कोई केला का पेड़ ही लग रहा है मेरे को। अबे नहीं, अबे ये तो असल में यार बनाना सायरन हेड है। हाँ भाई ये तो वही है। अले तलो तलता हूँ यहाँ तल्ली थी। अले तुम दोनों, तुम यहाँ पर क्या तल ले हो? तुमने मेरे को धुंधा कहते। अरे यार बनाना सायरन हेड। अले हाँ बोलो ताता, ये तुम्हें मुझे दाने दो। अबे यार तुम्हें पता है बनाना सायरन हेड की एक खूबी है, अगर मैं इसका केला तोड़ लू ना तो जभी एक और केला उग जाएगा। अले हाँ तेले तो उग जाएंगे, पर तुम मुझसे ताते क्या हो? अबे यार बनाना सायरन हेड प्लीज मेरे साथ चल, मेरे को एक सुपर बाइक लेनी है और वो बाइक सिर्फ तू दिला सकते हैं, मैं नहीं दाने वाला तुम्हारे तात। गाइस यार इसको बोलो ना मेरे साथ चले। ओके तो गाइस यार आप लोग क्या कर रहे हो, जल्दी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो जिससे ये मेरे साथ चले। अले हाँ कलो चैनल को थप्लाई करो और वीडियो को लाइक करो अगर तुम लोग ताते हो कि मैं इसके तात तला दूं। चलो गाइस यार ये मान तो गया मेरी बात, आप लोगों की वजह से माने वाने मानता नहीं है मेरी बात, क्योंकि आप लोगों ने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया है ना तो कर दो यार, वरना यार क्या पता केला मैन चलती बाइक में से कूद के भग जाए और मैं नहीं चाहता ये चला जाए यहाँ से। जल्दी वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, और कमेंट बॉक्स के अंदर लिख दो कि बनाना सायरन हेड मैन ओपी, ये लिखो कमेंट बॉक्स के अंदर जल्दी से यार, जिससे इसको भी अच्छा लगे और इसकी भी थोड़ी फैन फॉलोइंग बढ़े। ठीक है ना, तो चलो गाइस अब जल्दी से लेके चलते हैं इसको बंदर के पास। और भाई साहब बंदर बहुत ज्यादा खुश होने वाला है, सोचो अब उसके पास अनलिमिटेड केला आ जाएंगे। केला तोड़ेगा तो अगली जबी उगेगी, दो तोड़ेगा चार आ जाएगी। आप बेटे तगड़ी चीज है यार सेमी, केला सायरन हेडमैन तो बहुत ही खतरनाक सेमी। भाई साहब एक तो तुम्हारे भाई की बाइक राइडिंग भी इतनी एकदम खतरनाक लेवल की है ना। अले अले क्या कर ले हो यार, तुम तो मालो दे यार, अबे पागल हो यार तुम तो तैमी। अबे यार मैं खुद की तारीफ करता हूँ तो हमेशा बैंड बजती है यार। चल कोई बात नहीं सायरन हेड, थोड़ी बहुत पानी भी पी लिया होगा तूने। तो गाइस यार हम लोग वापस आ चुके हैं यहाँ पर, चलो चलते हैं जल्दी से और बंदर को देते हैं उसका अगला केला, वो है सायरन हेड केला मैन। चलो लेट्स गो। भाई साहब अब कौन सी बाइक मिलने वाली है मेरे को, बहुत ज्यादा सुपर एक्साइटेड है तुम्हारा भाई सेमी। ओए एक सेकंड, अबे ये तो वो है, बस सीगल मुझसे पहले पहुंच गया यहाँ पर। अबे ये क्या लेके आया है? अबे सीगल तू क्या लेके आया है? अबे ये क्या है? बनाना सायरन हेड मैन, इससे तू कितनी भी केला खा सकता है। ये तो काफी खतरनाक चीज है सेमी। हाँ वो तो है ही खतरनाक बिल्कुल। शाबाश। ओके सीगल क्या लेके आया है? सीगल ने असल में पूरी दुकान खरीद को दे दी मेरे को। अबे ये तो चीटिंग है ना, मैंने उससे ज्यादा अच्छी चीज दी है। सबसे महंगी वाली बाइक सिर्फ एक है और मैं तुम में से किसी एक को ही दे सकता हूँ।
नहीं चाहिए वो भाई, क्योंकि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। ऐसे नहीं, समित भी मेरा ऐसे दोस्त है। अगर तुम में से किसी को वो बाइक चाहिए 100 करोड़ रुपए वाली, तो तुम्हें असल में अल्टीमेट रैम चैलेंज के अंदर पार्टिसिपेट करना होगा। जो भी तुम में से जीतेगा उसे मिलेगी वो 100 करोड़ रुपए वाली बाइक। मैं तैयार हूँ, कोई भी रैम चैलेंज करवा लो मुझसे, मैं ही जीतने वाला हूँ। हाँ, इतना भी घमंडी मत हो, ठीक है ना? तो चलो गाइस यार, जाके अपनी बाइक लेता हूँ। तो गाइस यार, ये है वो अगली बाइक, और जो सबसे लास्ट में ना वो है 100 करोड़ रुपए वाली बाइक। तो गाइस यार, क्या खतरनाक बाइक है। और भाई साहब, अब हमें करना है एक रैम चैलेंज, जो भी उसमें जीतेगा ना उसको मिलने वाली वो 100 करोड़ रुपए वाली बाइक। और गाइस यार, फिलहाल तुम्हारे बाइक को मिल चुकी है पोकेमोन वाली बाइक। देख रहे हो यार, कितनी ज्यादा ऊंची जंप लगाती है बाइक, सही कमाल की यार। अब उड़ रही है ये हवा के अंदर, मेरे को लगा जंप लगाया, नहीं, ये हवा में उड़ रही है भाई। क्या बाइक है सही में, ये पोकेमोन बाइक, ओ पेटे मजा आ रहा है सही में। तो चलो गाइस, चलते हैं उस रैम चैलेंज में पार्टिसिपेट करने के लिए, और जीत के लेते हैं 100 करोड़ रुपए वाली बाइक। लेट्स गो गाइस। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के खतरनाक वाले रैम चैलेंज के अंदर। तो दोस्तों और मेहरबानो, वीडियो को लाइक करो। हाँ तो दोस्तों, आप लोग क्या कर रहे हो, जल्दी से यार धुआं धाड़ लाइक सब्सक्राइब करो जल्दी जल्दी यार, जिससे हमारा रैम चैलेंज शुरू हुआ। तो आज का रैम चैलेंज होने वाला है सीगल वर्सेस सुमित। आप भी देखते हैं कि कौन जीतता है, और आप लोग किसके साइड हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जीतने वाले को मिलेगा इनाम में 100 करोड़ रुपए की सुपर बाइक। स्टार्ट करो आज की रेस। सबसे पहले मैं ही जाने वाला हूँ, क्योंकि मैं एक बार में इस रैम चैलेंज को कंप्लीट करके अपने घर चला जाऊंगा। हाँ ठीक है ठीक है। ओए, कितनी बड़ी गाड़ी लेके जा रहे हैं सैमी। मैं पागल नहीं हूँ, मैं ये जी वैगन लेके जाऊंगा। जी वैगन सबसे ज्यादा पावरफुल होती है। अब ये जी वैगन नहीं है, जी वैगन की थर्ड क्लास कॉपी है, ठीक है ना? कोई बात नहीं, मैं स्कोपी से ही जीत जाऊंगा। हाँ वो तो टाइम बताएगा कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। तो गाइस यार, यहाँ पर ये सीगल जा रहा है, और ये रैम चैलेंज सही में बहुत ज्यादा अजीबोगरीब नहीं लग रहा है मेरे को। ये सबसे अनोखा रैम चैलेंज है, क्योंकि मैंने इसे बनवाया है। ओके, तो गाइस यार, मुझे नहीं लगता यहाँ पर सीगल इसे कंप्लीट कर पाएगा, क्योंकि इसने जो गाड़ी सेलेक्ट की है वो यहीं पर ही दम तोड़ रही है यार। क्योंकि अगर ये जी वैगन होती तो ये दम यहाँ पर नहीं तोड़ती। पर कोई बात नहीं यार, ये आगे ऊपर चढ़ाया जा रहा है, देखते हैं जीत ही जाएगा मेरे हिसाब से। अबे घंटा जीतेगा तुम्हारा भाई, ये तो बिल्कुल नहीं जीत सकता ये। वो तो टाइम बताएगा कि सुमित जीतेगा या सीगल जीतेगा। मैं ही जीतने वाला हूँ ये रैम चैलेंज, क्योंकि मुझे वो 100 करोड़ रुपए वाली बाइक चाहिए। हाँ, देखते हैं कौन जीतेगा। तो गाइस यार, ये तो धीरे धीरे करके आगे बढ़ता जा रहा है, और इसे देख के मुझे नींद आ रही है। अबे इतने धीरे धीरे जा रहे हैं यार, कल तक नहीं करना भाई, आज आज में कंप्लीट करना है। तुम क्या कहना चाहते हो, तुम मुझसे ज्यादा तेज करोगे? हाँ ऑफकोर्स, मैं तुझसे बहुत जल्दी करने वाला हूँ। ये लो देखो, मैंने भी अब स्पीड बना ली। हाँ, देखते हैं कितनी स्पीड बना ली। ओ तेरी भाई साहब, ये क्या है भाई, लगता है कोई पावर यूज कर रहा है सीगल अपनी। पर कुछ भी हो भाई साहब, ये आगे बढ़ता ही जा रहा है। अगर ये जीत गया तो तुम्हारे भाई को 100 करोड़ वाली बाइक कभी नहीं मिलेगी, और अगर मैं हार गया तो मतलब मिलेगी मेरे को ही नहीं एंड ऑफ द डे। पर ये जीतना नहीं चाहिए गाइस। अगर आप चाहते हो ये हार जाए तो कमेंट बॉक्स के अंदर लिख दो पुअर सीगल, जिससे ये हार जाए यार, या फॉल लिख दो यार, जिससे ये नीचे गिर जाए, ठीक है? और हाँ, तुम लोग यार क्या कर रहे हो, जल्दी से बताओ आखिर ये कौन सी गाड़ी है। अगर आप लोगों को नहीं पता ये कौन सी गाड़ी है तो अपने दोस्तों से पूछो, अपने मम्मी पापा से पूछो, अगर नहीं पता है तो, ठीक है? और पता है तो जल्दी से बताओ आखिर कमेंट बॉक्स के अंदर ये कौन सी गाड़ी है। अगर आपने अब तक नहीं बताया तो ये कौन सी गाड़ी है भाई साहब, मेरे को इसका नाम पता है, मैं भी तो जानू मेरे दोस्त हम किस किस को इसका नाम पता है। जल्दी जल्दी बता दो यार, क्या टाइम वेस्ट कर रहे हो, जल्दी लेट्स गो। और यहाँ पर बातों बातों में कदकरम में ये सीगल आगे बढ़ गया, ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया यार, ये तो सही में ऐसे जीत जाएगा यार, बढ़ते ही जा रहा है आगे, देख रहे हो कितनी स्पीड से। स्पीड ही नहीं है वैसे तो। तुम कहना क्या चाहते हो, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? हाँ मैं तेरा मजाक उड़ा रहा हूँ। गाइस यार, मैं इसका मजाक बताऊँ क्यों उड़ा रहा हूँ, जिससे इसको गुस्सा आए और ये तेज तेज में अपनी गाड़ी को क्रैश कर दे और हम लोग जीत जाए। क्या तुम कुछ बोल रहे हो अपने दोस्तों को? नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ मेरे दोस्तों को, बस मैं यही बोल रहा हूँ कि मैं ही जीतने वाला हूँ। ये जो भ्रम है ना, तुम अपने दिमाग से निकाल दो, तुम नहीं जीतने वाले और तू भी नहीं जीतेगा, चल यहाँ से। अरे ये क्या, आखिर ये गाड़ी कैसी कबाड़ा है, मैं तो हार गया इसके चक्कर में। कोई बात नहीं, अगर मैं नहीं जीता तो तुम भी नहीं जीतोगे, मुझे वो 100 करोड़ रुपए वाली बाइक नहीं मिली तो तुम्हें भी नहीं मिलेगी। सही में, अगर कोई नहीं जीता तो किसी को भी वो बाइक नहीं मिलेगी। अबे किसने कहा कि मैं हारने वाला हूँ, मैं जीतने वाला हूँ यहाँ पर, और वो बाइक मैं किसी भी हाल में लेके जाने वाला हूँ। गाइस यार, हम लोग सुबह से बाइक चला रहे हैं, कितनी बाइक चलाई है, और ऊपर से सीगल ऐसा पागल है, इतनी सारी बाइक चलाने के बाद गाड़ी लेके गया इस रैम चैलेंज के अंदर। अबे पागल है क्या, थोड़ा बाइक से इजी पड़ेगा यार, देखो तुम्हारा भाई कितनी स्पीड से करे जा रहा है। कहते हैं ना यार, अगर तुम्हारे पास सारी चीजें भी आ जाएंगी ना, जब भी अकल की जरूरत तुम्हें जब भी रहेगी, अगर तुम्हारे पास अकल नहीं है तो सब कुछ आने के बाद भी तुम फिर से गवा दोगे। जैसे सीगल
इलीगल नहीं किया यार, उसको पता ही नहीं क्या पागल आदमी है जमी यार। बाइक थी जब उस समय इतनी आसानी से रैम चैलेंज को कंप्लीट कर सकते हैं, तो गाड़ी लेके गया भाई, शाना बन रहा है, डेढ़ शाना। भाई ये कोई रेस चैलेंज थोड़ी है, ये असल में रैम चैलेंज है। जो सीधी सीधी गाड़ी भगानी तो गाड़ी लेके जाए, पर कोई बात नहीं यार, तुम्हारा भाई उससे तो बहुत ज़्यादा जल्दी कर रहा है। ये चीटिंग है सही में, तुम गाड़ी का यूज़ क्यों नहीं कर रहे हो? अबे किसी ने मना किया था तेरे को कि गाड़ी का यूज़ नहीं करना है? तू खुद से ही गाड़ी लेके गया है, वहाँ पर रैम चैलेंज में ऑलरेडी खड़ी थी बाइक, अगर तुझे चाहता तो तू लेके जा सकता था, पर तुझे चाहिए नहीं थी, तू तो डेढ़ शाना है ना भाई। ओके तो गाइस यार, यहाँ पर हम लोग काफ़ी जल्दी पहुँच गए यार। यहाँ पर सीगल काफ़ी देर में आया था, मतलब नींद आ रही थी मेरे को एक टाइम पर जब सीगल अपनी गाड़ी चला रहा था, पर भाई साहब हम तो फुल स्पीड में जा रहे टॉप गियर में बिल्कुल परफेक्टली। और गाइस यार क्या कर रहे हो आप लोग? अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो यार। अगर तुम लोग सब्सक्राइब करोगे ना, उससे बताऊं क्या होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगा ना, तो आप लोगों को सबसे पहले पता लगेगा कि हाँ सुमित भाई की कोई नई वीडियो आ गई है, जाके देख सकते हो फिर इजीली। अब तुम सब्सक्राइब नहीं करोगे तो पता नहीं किसकी वीडियो देखोगे जाके, पता नहीं मेरी वीडियो मिलेगी भी नहीं मिलेगी। अगर तुम चाहते हो मेरी वीडियो फिर से देखना तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार जल्दी से, ठीक है। और ये बॉल को किया हमने नीचे, ओ भाई पानी में गई सीधी, दिख नहीं रही, पता नहीं गई 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 पानी में गई। तो गाइस यार मुझे वहां जाना है, अगर मैं यहीं से बाइक उड़ा दूं तो? नहीं यार बहुत ज्यादा लंबा गैप है यार, यहाँ से डायरेक्ट बाइक उड़ाने पर तो हम लोग वहां पर नहीं पहुंच पाएंगे, धीरे धीरे करके पहुंचना पड़ेगा वहां तक। चलो पहुंच जाएंगे धीरे धीरे करते हैं। भाई साहब ये तो समझ नहीं आता यार, ये क्या चीज यूज कर रहा है रैम चैलेंज के अंदर, देखियो यार इस पर बाइक भी नहीं चढ़ रही है यार। कुछ अच्छा सा सेलेक्ट करता कोई पेड़ वेड़ जिसके ऊपर ग्रिप बनती, यहाँ पर ग्रिप नहीं बन रही है टायरों की यार, ये असल में लोहे का है या प्लास्टिक का है पता नहीं, पर स्लिप हो रही है बाइक यहाँ पर बहुत ज्यादा। चलो इस वाली बॉल को भी नीचे गिरा देते हैं हम लोग, चल 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 तफा हो यहाँ से। नीचे गई बॉल, भाई सब देख रहे हो वहां से हमने स्टार्टिंग की थी, वहां खड़ा है सीगल और बंदर, और हम लोग देख रहे हो कितनी ज्यादा ऊंचाई पे आ चुके हैं यार। अगर यहाँ से नीचे गिराना तो भाई साहब वापस आना इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल क्या यार, मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगा ना, तो हमें डिस्क्वालीफाई तो होना नहीं है। ओए अब यहाँ पर क्या करना है कुछ समझ नहीं आ रहा यार, आखिर क्या है ये? अरे अरे ओए भाई यहाँ पर असल में गाड़ी की जरूरत थी यार, देख रहे हो, पर कोई बात नहीं हम बाइक ले जाएंगे यहाँ पर भी। बेटे देख रहे हो हमने बाइक से भी इसे कंप्लीट कर दिया, नाइस बचा भाई। अरे भाई अगर वहां पर हम लोग स्लो कर लेते ना अपनी बाइक तो भाई साहब हमारे टायर फंस जाते हैं लोहो के बीच में और भाई साहब सीधा नीचे जाते। सही है तुम्हारे भाई ने स्लो नहीं की बिल्कुल भी, छे मुझे लगा कि ये यहाँ पर हार जाएगा पर ये फिर से जीतता जा रहा है। अबे एक सेकंड, ओए पागल मत बना मेरे को, अभी मैं उस तरफ से चला जाता हूँ और नीचे गिर जाता है यार, रास्ता असल में यहाँ से है यार। और ये क्या अजीब सी जगह है यार, सभी कुछ कंफ्यूजन इतनी ज्यादा हो रही है, उस तरफ जाना है इस तरफ जाना है मेरे को? एकदम परफेक्ट। तो गाइस यार यहाँ तक तो हम लोग पहुंच चुके हैं, अब मेरे को यहाँ से वहां जाना है। भाई कितना कंफ्यूजिंग है ये रैम चैलेंज यार, और लास्ट में वहां जाना है मेरे को, हाँ मेरे को यही जाना है एकदम परफेक्टली जंप लगा लगा कर। अरे भाई सब सामने कुछ समझ तो नहीं आ रहा मेरे को, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? अब भाई ये बस फंसा रखी है यहाँ पर, इस बस में से निकल के जाना पड़ेगा। नहीं नहीं उस तरफ से जाता हूँ ना क्योंकि स्पीड नहीं बनेगी। फिर एक और बस, अब इतनी सारी बसों का बजट आया कहाँ से? अब कौन से स्कूल की बस है ये, कौन सा स्कूल बंद हो गया? एकदम बढ़िया। अब रास्ता कहाँ है? ओए यार मेरे को लगा कि असल में ऐसे बड़े बड़े ट्यूब बना रखी, पर नहीं यार ये असल में रास्ता है यहाँ से भाई बाइक लेके जानी हमें। भाई कितना ज्यादा हार्ड बना रखा है सही रैम चैलेंज। सोचो यहाँ पर अगर सीगल गाड़ी लेके पहुंच भी जाता है बाय चांस गलती से भी, तो भाई वो तो नीचे गिर जाता है ना पानी में, क्योंकि यार गाड़ी तो यहाँ पर चल ही नहीं सकती भाई। रैम चैलेंज देगा नहीं उससे पहले लेके भग लिया गाड़ी। अरे सही कह रहे हो यार, मुझे पहले रैम चैलेंज के बारे में सीखना चाहिए कुछ। हाँ तुझे कुछ सीखना चाहिए था। मैं भी कंफ्यूज हो गया कि यार पेड़ लग रहे बीच में, आखिर रास्ता कहाँ से है? पर यार इसके पीछे से रास्ता है और हम लोग आगे बढ़ते जा रहे। ओए ये ऊपर से दिख रहा था ना मैं, हाँ बस थोड़ी दूर और है फिनिश लाइन, मतलब हम लोग बस जीतने वाले हैं। चलो 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 ये बिल्कुल परफेक्ट, अब मेरे को तोड़ना है इनको। अब ये तो टूट ही नहीं रहे, अब साइड में से ले जाता हूँ, टूट ही नहीं रहे तो कितनी बड़ी जगह है। अच्छा अगर हम लोग यहाँ पर गाड़ी लेके आते ना तो हमें तोड़ तोड़ के जाना पड़ता, बाइक से हम लोग तोड़ नहीं सकते, तो हम लोग साइड से आ गए हैं। मतलब बड़ी गाड़ी से भी हो सकता था एंड ऑफ द डे, पर छोटी गाड़ी लानी थी यहाँ पर कोई, ठीक है। अब ये क्या है? ये क्या? ये तो वो है भाई फुटबॉल का गोल, हाँ यहाँ पर तो गोल करने के लिए ये पता नहीं यार कैसी कैसी चीज बना रखी है। बस पहुंच गए। अबे और भी बड़ा है क्या? उल बच गया भाई, ये ब्रेकर सा दिखा नहीं मेरे को, बाइक उछल गई थी बहुत ज्यादा। चलो इस तरफ से इस तरफ बिल्कुल परफेक्टली एकदम बढ़िया, बस अब यहाँ से फुल स्पीड में बाइक लेके जानी है। अबे जंप हो रही बहुत ज्यादा, रुक जा रुक जा, ओ बस थोड़ा सा और ये बस पहुंच गया। ओके तो गाइस यार फाइनली तुम्हारा भाई जीत चुका है, इसका मतलब वो 100 करोड़ रुपए वाली बाइक तुम्हारे भाई की होती है। ओ भाई साहब सबसे प्रो प्लेयर तो बंदर है भाई, शॉर्टकट लेके आया एक बार में। शाबाश तुम जीत चुके हो, तो तुम्हें मिलती है
वो 100 करोड़ रुपए वाली बाइक। परफॉर्मेंस है तुम्हारी। अबे मुझसे अच्छी परफॉर्मेंस तो तेरी है, तूने डायरेक्ट वहाँ से जंप लगा के यहाँ पहुँच गया तू। ऐसा भी कुछ खास नहीं हो तो लो तुम्हारी 100 करोड़ रुपए वाली बाइक समेत। कहाँ पर है? अरे मिल जाएगी, मैं तो चला। अबे भाई साहब ये बंदर क्या है भाई, से भी प्लेन चला रहा है, बाइक थोड़ी चला रहा है, ये प्लेन उड़ा रहा है। देखियो भाई साहब कैसे चला रहा है बाइक खतरनाक तरीके से। तो गाइस यार हम लोग वापस आ चुके हैं यहाँ पर अपनी यार जो लास्ट वाली बाइक लेके। अब मेरे को लेनी अपनी 100 करोड़ रुपए वाली बाइक। भाई साहब पोकेमोन वाली बाइक है तो कमाल की यार, क्योंकि इससे हवा में उड़ के कहीं भी जा सकते हैं और ये क्रैश लैंडिंग बिल्कुल परफेक्टली। ये रुक जा। तो गाइस यार यहाँ पर हमें मिल चुकी है अपनी 100 करोड़ रुपए वाली बाइक। जल्दी जाके लेता हूँ यार, चलो बेटे मजा आ गया। ओ भाई सब वोरी सबसे लास्ट में कितनी ज्यादा मस्त लग रही है यार ये, चलो बैठते हैं इसके अंदर जल्दी सी। भाई कितनी ज्यादा कूल है यार ये, सही में ये हो गई ऑन। ओए एक सेकंड, अब भाई ये भी उड़ती है यार। ओ भाई इसके अंदर ज्यादा पावर है यार पोकेमोन वाली से, क्योंकि पोकेमोन वाली बाइक एक बार उड़ के जमीन पर जरूर आती है, पर इसको हम अल्टीमेटली कहीं कितना भी उड़ा सकते हैं। देख रहे हो ये असल में हवा के अंदर हवरिंग कर रही है, ना कि जमीन को टच कर रही है। भाई कितनी मस्त बाइक है ना सही में। तो गाइस यार आज के लिए बस इतना ही, आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी छोटे को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार भूले बैठे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम लोग मिलेंगे इसको नई वीडियो में नई स्टोरी के साथ, जब तक के लिए सायोनारा।